हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साध्या है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। अगर आप करंटली सिंगल हो और आप जानना चाहते हो कि कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, एक्स आएगा या फिर कोई नया इंसान आएगा, हम वो सब जानेंगे इस रीडिंग के अंदर। साथ में हम चांस भी लेंगे, साथ में उस इंसान के नेचर को जानने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह का इंसान होगा, कौन होगा, मे बी फिजिकल फीचर्स के बारे में भी हम कुछ जान सकें। बारिया सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, उससे तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो कौन आ रहा है सिंगल्स की लाइफ में, लेट्स फाइंड आउट। कोई एक्स होगा या फिर कोई नया इंसान, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। फिलहाल मुझे लगता है कि आप कुछ टाइम सिंगल, आपके लिए रहना ज़्यादा अच्छा है। यू नो, अपने ऊपर फोकस रखो, अपने आप को इम्प्रूव करो इन ईच एंड एवरी वे, जितना भी पॉसिबल हो सकता है आप अपने ऊपर टाइम दो राइट नाउ। कौन आ रहा है लव लाइफ में, इट शुड बी द लीस्ट थॉट आपके माइंड में होनी चाहिए राइट नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी चाहते हो, अगर आप अपना पास्ट पर्सन भी चाहते हो या अगर आप नया इंसान भी चाहते हो, तो आप तब तक किसी अच्छे इंसान को, वैसे इंसान को जैसा आप डिज़ायर करते हो, वैसे इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, या अपनी लाइफ में आप ऐसी सिचुएशन में नहीं आ सकते हो जहाँ पे आपको आपका आइडियल किस्म का इंसान जो है वो मिले, चाहे वो पास्ट की शक्ल में है, चाहे वो नए इंसान की शक्ल में है। बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ आपके लिए सिंगल रहना। क्यों? क्योंकि आप जब सिंगल होगे, आप अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करोगे, आप अपने आपको टाइम देते हुए हर वो चीज़ करो जिसमें आपको खुशी मिलती है, जहाँ पर आप किसी और को आंसरेबल नहीं हो, जहाँ पर आप, आपकी लाइफ में कोई हेडेक नहीं है, जहाँ पे आप रात को ये सोचते हुए नहीं सोते कि पर्सन ने मैसेज किया या नहीं किया। यू नो, वो सारी हेडेक आपकी ख़त्म है। आपको चाहिए कि राइट ना आज इस मोमेंट को फुली इन्जॉय करो, अपने आप को हील करो। पास्ट के पर्सन ने क्या किया क्या नहीं किया, उससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने जो किया वो उसका कारमा था। आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, आप कुछ पॉजिटिव डिज़र्व करते हो, यू विल गेट दैट। आपको बिलीव होना चाहिए कि समथिंग गुड इज़ गोइंग टू कम इन योर लव लाइफ। अगर आपका पास्ट पर्सन, चाहे आप उससे बेशुमार प्यार करते थे, लेकिन अगर वो ख़त्म हुआ और आप अगर ये होप रखो या अपने आप को अंदर इतना पॉजिटिविटी रखो कि आपकी वजह से ख़त्म नहीं हुआ, या आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, या आपके अंदर कोई बुरी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से ख़त्म हुआ, बल्कि शायद वो इंसान ही इतना लकी नहीं था कि इसको आप मिलते, अगर आप इस तरह के माइंडसेट में जो है रहोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और ये माइंडसेट आपको, आपका होना ही यही चाहिए था। नहीं था इसीलिए एंड हुआ कनेक्शन, नहीं था इसलिए यू फेल्ड इन लव लव रिलेशनशिप्स पहले। कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को डिग्रेड कर जाते हो रिलेशनशिप में, या जहाँ पे आप अपने आप को वैल्यू ही नहीं करते हो और दूसरे इंसान को सर पे चढ़ा देते हो, तभी रिलेशनशिप्स फेल होते हैं। वो रिलेशनशिप बहुत रेयर होगा कि फेल हो जहाँ पे आप अपने आप को वैल्यू करते हो और अगला पर्सन आपके पीछे भाग रहा होता है। अक्सर लोग जो फेल रिलेशनशिप्स में होते हैं, वो क्यों होते हैं, उनके रिलेशनशिप फेल क्यों होते हैं, क्योंकि आपको सेल्फ वर्थ नहीं पता होती है। जिनको सेल्फ वर्थ पता होती है, उनका रिलेशनशिप या तो बैलेंस्ड रहता है या फिर अगला पर्सन आपके पीछे पागल होगा। उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, या तो बैलेंस्ड रहेगा कनेक्शन, या फिर आप हमेशा उस इंसान के लिए प्रिंसेस या प्रिंस रहोगे। एक आपको वो इंसान हर लम्हा जो है वो आइडियलाइज करेगा, हर मोमेंट उसके दिल में आपके लिए एक स्पेशल केयर कंपैशन होगा, वो आपको लेके पोजेसिव होगा, केयरिंग होगा, गिविंग होगा, हर तरह से आपका ख्याल रखेगा। लेकिन जहाँ पे आपको सेल्फ वर्थ ही नहीं होगी, वहाँ पे आपकी लाइफ में कोई भी आ जाए, चाहे आपसे बुरा देखने में ही क्यों ना बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ जाए, वो आपको शिट के जैसे ट्रीट करेगा, विच इज़ द ट्रूथ, विच इज़ द रियलिटी, आप मानो या ना मानो। अक्सर लोग आप देखोगे कि देखने में या नेचर वाइज भी या फाइनेंशियली भी वो इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन दे विल मेक यू फील बैड। क्यों? क्योंकि आप उनको वो अथॉरिटी दे देते हो इतना प्यार करके, इतना सर पे चढ़ा के, कि अगला पर्सन आपको ऐसे ट्रीट करता है जैसे यू आर नथिंग मोर देन अ शिट। वो चीज़ आपने चेंज करनी है। जब आप अपने आप को वैल्यू करोगे, अगर आप अपना इमेज ही वो वाला पुट आउट करोगे जहाँ पे यू नो कि यू आर डिजर्विंग ऑफ लव, आपको किसी के पीछे भागना नहीं है, यू डोंट हैव टू चेज एनीवन। जो राइट पर्सन होगा, जो डिज़र्विंग होगा, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू मेक एफर्ट।
एफर्ट आप उसी चीज़ के लिए करते हो जो आपके लिए वैल्यूएबल है. अगर आपके आपके लिए एक इंसान एफर्ट नहीं करा, दैट मीन्स कि वो आपको वैल्यू नहीं करता. सो आप डिज़र्व करते हो कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपके वैल्यू करे. उसके लिए यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ फर्स्ट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम सिंगल रहना आपके लिए बेस्ट है. अपने पर फोकस रखो, अपने आप को इन्हांस करो, अपनी ब्यूटी को इन्हांस करो, हर वो चीज़ अपने मेंटल फिजिकल इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करो, अपने आप को अपने अंदर स्किल्स पैदा करो. मेक ओवर करना चाहते हो मेक ओवर करो, अपने आप को बिजी रखो हर वो चीज़ करते हुए जिसमें आपका दिल खुश होता है, जिसमें आपको अपनी एक इनर सेटिस्फैक्शन होती है. डू ऑल दोज पॉजिटिव थिंग्स. लेट्स सी मोर कार्ड्स. एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लगता है कि आप राइट नाउ अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे अट्रैक्ट कर रहे होंगे जो आप या करोगे. एज़ यू स्टे सिंगल, एज यू वर्क ऑन योरसेल्फ, आपकी लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी, ऑफर्स आ रही होंगी आपको, जो कि लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, आपसे कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाह रहे हैं, आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया पर अदरवाइज भी. लेकिन आपके लिए राइट नाउ सिंगल रहना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सोच से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब तक आप अपने माइंड में से अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को, फेलियर्स को हील नहीं कर जाते हो, आप किसी राइट किस्म के इंसान के साथ नहीं हो सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है आपकी लाइफ का जिसमें आपने अपने आप को टाइम देना है. एज यू डू सो या वाइल यू डू सो, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी यू नो आप अभी अपने अल्टीमेट गोल पर पहुँचोगे भी नहीं, तो आपको काफ़ी सारे ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगे जिसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो कि आपको लेना चाहिए. कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा स्टार्टिंग में स्पेशली जो कि लॉन्ग टर्म जिसको आप लेके चलना चाहो. मुझे लगता है कि आपके लिए बेस्ट ही रहेगा क्योंकि आप सिंगल हो, या एटलीस्ट अपने आप को मानते हो कि आप सिंगल हो. तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि राइट नाउ जब आप सिंगल हो, कोशिश करो कि आप राइट डाउन द थिंग्स कि आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या चाहते हो, उसकी लुक से लेके, उसके फाइनेंशियल सिचुएशन से लेकर, उसकी उसकी यू नो ड्रेसिंग सेंस से लेकर, उसके नेचर से लेकर, हर डेप्थ हर डिटेल जो आप चाहते हो अपने लाइफ पार्टनर में या अपने नेक्स्ट लवर में, आप वो लिख सकते हो. जहाँ पे यू नो आपको अगर यू नो पास्ट के पर्सन याद आते हैं कि यू नो उसमें वो चीज़ अच्छी थी, उसमें वो चीज़ अच्छी, हर वो अच्छी चीज़ हो हर आपके एक्स में रही हो, उसको राइट डाउन कर लो कि आपको अपने लाइफ पार्टनर में ये सारा कुछ चाहिए. जो कि जो जो भी कुछ चाहिए आपको अपने लाइफ पार्टनर में, जस्ट राइट दैट डाउन. फिर आपकी लाइफ में कोई भी ऑफर आता है, सी कि वो उन सारी चीज़ों पर यू नो उतरता है या नहीं उतरता, यू नो उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं. दो ऑप्शंस होंगे आपके पास. एक तो ये कि आप सेटल इन फॉर रेस्ट कर जाओ. जैसे एक पर्सन के अंदर 60% चीज़ें होंगी और 60 यू नो 40% नहीं होंगी. डू यू वांट टू गिव दैट पर्सन अ चांस? आपकी चॉइस है, आप देना चाहो तो आप दे सकते हो. लेकिन इफ़ यू वांट टू स्टिक टू द दैट 100% क्राइटेरिया जो आपने सेट किया कि लड़का या लड़की ऐसे 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 होना चाहिए, इफ़ यू वेट फॉर दैट एग्जैक्ट क्राइटेरिया टू गेट फिल्ड, ट्रस्ट मी वो इंसान भी आपकी लाइफ में आ जाएगा. लेकिन उसके लिए आपको पहले 100% हील्ड होना चाहिए. Now comes to the point के कौन आ रहा है आपकी लाइफ में. जब आप ये सब कर जाओगे, आपकी लाइफ में एक पर्सन आएगा जो कि एक स्टेबल ऑफर लेके आ रहा है. स्टेबल ऑफर एज एन के पर्सन मेच्योर होगा, पर्सन टाइम वेस्ट नहीं करेगा. अगर तो ये पास्ट पर्सन भी है तो भी ये आपको प्रपोज करेगा, टाइम वेस्ट करने नहीं आएगा आपका. आप इस इंसान को चांस देते हो क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपने क्राइटेरिया सेट किया है, ये वो चीज़ है जो आपको बीच में ऑफर्स आ रही हैं. अगर आप सेटल इन फॉर लेस कर जाते हो तो यू विल गेट दैट. अगर आप वेट करते हो उस इंसान का जो कि आपने मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपके आइडियल एक इमेज है कि ऐसा होना चाहिए, हो सकता है कि आपके कोई पास्ट आपका लवर जो था वो उस क्राइटेरिया पे सेम बैठता और आपके माइंड में उसी का इमेज था जब आपने राइट डाउन किए हैं चीज़ें. दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक. अगर ये पास्ट का पर्सन है, अगर आपके माइंड में वो मैंने आपसे कहा कि ये लिखो, आपके जहन में अगर कोई पास्ट का पर्सन क्लिक किया कि हाँ उसमें वो सारा कुछ था जिससे आप अपने पार्टनर में चाहते हो सकता है कि वही इंसान वापस आ जाए. लेकिन अगेन
बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ आपका सिंगल रहना, राइट नाउ आपका वो चीज़ें लिखना जो मैंने कहा। उसके बाद आपकी लाइफ में ऑफर्स आएंगी पहले, उसके बाद आपकी लाइफ में वो इंसान आएगा जो आप डिज़ायर करते हो डीपली। सो अगर आप ये ऑफर्स एक्सेप्ट करते हो तो ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा। अगर आप ये ऑफर्स नहीं एक्सेप्ट करते हो और आपको श्योर है कि ये आएगा ना, कुछ लोग होंगे कि अच्छा हाँ मुश्किल इंतजार में ये जो आ रही है ऑफर वो भी खो दे, तो भाई ठीक है एक्सेप्ट दिस ऑफर। और क्योंकि अगर आपको बिलीफ नहीं है कि ये आएगा तो ट्रस्ट में ये नहीं आएगा। अगर आपको बिलीफ है कि हाँ आपकी दुआ पूरी होगी और आपका वो पर्सन आएगा जिसमें आप जो आपका आइडियल है, तो वो डेफिनेटली आएगा। ऑल यू नीड टू डू इज़ मेक अ डिसीजन, स्टिक टू दैट। वो अगर आप कर जाओगे तो आपका ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है, नया इंसान भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन चाहिए, पास्ट पर्सन चाहिए या न्यू पर्सन चाहिए। जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप सेटल इन फॉर लेस नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ तब। जो लोग सेटल इन फॉर लेस करेंगे उनको नहीं मिलेगा। लेट्स टेक बॉटम ऑफ द डेक कार्ड विच इज़ द हायरोफांट। अगर आप शादी डिमांड कर रहे हो, शादी चाहते हो, तो आपको शादी मिलेगी, चाहे वो नए पर्सन से है चाहे वो पास्ट पर्सन से है। अगेन जो आप चाहोगे आपको वो मिलेगा अगर आप सेटल इन फॉर लेस नहीं करते विद एनी अदर पर्सन। जो भी ये पर्सन आ रहा है ये तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी के साथ ही आ रहा है, चाहे ये पास्ट का पर्सन है चाहे ये नया इंसान है। राइट नाउ सिंगल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट नाउ अपने ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट नाउ मैनिफेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना लाइफ पार्टनर कोई भी शिटी रिलेशनशिप नहीं, ये शिटी लोग आपकी लाइफ में आएंगे, ये पास्ट के भी हो सकते हैं, पुराने एक्सेस हो सकते हैं, नए लोग हो सकते हैं, नई ऑफर्स हो सकती हैं, बट आपकी चॉइस है, आपने इनको चूज़ करना है तो करो, नहीं करना तो जस्ट यू नो वेट फॉर दिस वन टू कम और शो अप। अब बारी आती है कि आपके पर्सन के नेचर फीचर एंड ऑल, लेट्स सी कि कैसा होगा आपका पर्सन देखने में या अदरवाइज भी। होल्ड ऑन एक सेकेंड, लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन का फीचर नेचर कैसा होगा, लेट्स फाइंड आउट। उसके बाद चार्म्स देंगे, ओरेकल लेने की ज़रूरत तो वैसे नहीं है, पर चलो ले लेंगे, लेट्स सी। आई डोंट फील लाइक एक्चुअली टेकिंग ओरेकल कार्ड, सो देखते हैं कि नेचर और फीचर कैसा रहेगा आपका पर्सन का, कैसा होगा जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में आ रहा है। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि पास्ट पर्सन ही है, चाहे आपको चाहिए या नहीं चाहिए, पास्ट पर्सन ही होगा। और मेजॉरिटी के लिए अगर ये पास्ट पर्सन है तो वो आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि डीप डाउन शायद आप उससे निकल नहीं पाए हो ना ही निकल सकोगे। बहुत ही केयरिंग गिविंग किस्म का इंसान होगा, और बहुत भागा होगा लव और रिलेशनशिप से ये इंसान। यू नो आपकी सोच है ये इंसान, जितना आपकी इसने पेशेंस टेस्ट की होगी उतना शायद किसी और ने की हो, जितना आपका प्यार कितना स्ट्रांग है, सच्चा है या नहीं है, वो सब इसने टेस्ट किया है फॉर श्योर। और फिर जाके ये इंसान आपके पास आ रहा है विद अ स्टेबल ऑफर। जेनरस हो सकता है, स्टाइलिश हो सकता है, प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, और ये इंसान आपके सारे ख्वाब लव लाइफ को लेके, फाइनेंशियल चीज़ों को लेके पूरे करेगा। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इस इंसान के आने से चेंज आएगा, और आपकी काफ़ी सारी विशेज़ जो हैं जो कि लव लाइफ से कनेक्टेड थी, या जैसे यू नो आप अगर ट्रैवल करना चाहते थे कभी भी, और उस तरह की चीज़, उस तरह की ड्रीम्स भी जो थी वो आपकी इस इंसान के साथ पूरी होंगी। ये जो भी लड़का या जो भी लड़की होगी ये आपकी सारी विशेज़ पूरी करेगा। पास्ट पर्सन मुझे ज़्यादा लग रहा है, सोलमेट है ये आपका पास्ट पर्सन जो है वो मुझे लग रहा है, इट्स एन एक्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू। बहुत कम लोग होंगे जिनके लिए नया पर्सन होगा, मेजॉरिटी के लिए इट्स अ पास्ट पर्सन। सो या चांस देखते हैं, लेट्स सी व्हाट द चांस हैज टू ऐड। मुझे नहीं लग रहा कि ये न्यू पर्सन है, चाहे आप मैनिफेस्ट जो भी करना चाहो ये पास्ट पर्सन ही आ रहा है विद द स्टेबल ऑफर। वी एंड एक्स, एक्स इज कमिंग बैक। और ये पर्सन अपने जो भी इसने आपके साथ गलत किया उस सबको फिक्स करेगा वापस आकर। पास्ट पर्सन अगेन, और आप इस इंसान के साथ ट्रैवल भी करोगे, और मुझे लगता है कि हो सकता है आप दोनों वाटर साइंस हो, या फिर आप में से एक डेफिनेटली कोई वाटर साइन होगा और एक शायद फायर साइन हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और आप इस इंसान को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जो भी पर्सन है और पास्ट पर्सन है। समहाउ ये पर्सन कभी भी विलिंग नहीं था कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए, लेकिन आई डोंट नो क्या होगा इसको, जो कि यू नो सडनली ये शिफ्ट होगा, या इसका नेचर, इसका एटीट्यूड टूवर्ड्स यू चेंज होगा,
लेकिन ये डेफिनेटली शादी प्रपोजल मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटेंशन से ही आपकी लाइफ में वापस आएगा. पर अगैन राइट नाउ सिंगल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. डू द थिंग्स दैट आई सेड. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय.